नून लीग के सियासी रबते तेज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत, मौसी मुश्किल और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तेफाक, कहा रियासत को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। साबिक सदर ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। लीगी सदर शहबाज शरीफ का एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रबता, नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी। एमकेएम वफ कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा, मुल्की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन पर गुफ्तगू होगी। मौका मिला तो अव्वलीन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी, तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का अज़्म, कहा मौशी बहाली के लिए इस्तेकाम लाजिम है, हमने $460 को हिलने नहीं दिया, 20 साल पुराने मंसूबे भी हमारे अदवार में मुकम्मल हुए। IMF ने खुद कहा पाकिस्तान बहुत जल्द पाँव पर खड़ा हो जाएगा। नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी, नून लीग के मरकजी रहनुमाओं के साथ मुशावरती बैठक, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल, पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। जमात ने अपनी तैयारियां पूरी तरह शुरू कर दी हैं, कोई डील वील नहीं है, इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है, किसी के भी हाथ पाँव बंधे नहीं होने चाहिए। डील की खबरें बेबुनियाद है, इलेक्शन में सबको हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी के हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए, हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, हमने मैदान में मुकाबला करना है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, गढ़ा कहीं नहीं, नवाज शरीफ फिट है, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपुल्स पार्टी को, इस तरह के ताद हमेशा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं, रिजल्ट क्या है, जीरो। कोई कितने भी दावे कर ले, कोई कितने भी बड़े बड़े जलसे कर ले, सब चीजें सबकी नजर में कि क्या चीजें किस तरह हो रही है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद नहीं, इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, हमारे खिलाफ बनने वाले गठजोड़ को शिकस्त होगी। शर्जील मेमन पुरुमी, कहा बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, आसिफ जरदारी ने मुल्क को सीपैक का तोहफा दिया, कोई दूसरा इन कारनामों का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। सईद फनी ने कहा मुस्तकबिल में भी कराची के अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा जिसके पास नंबर गेम ज्यादा होगी वो हुकूमत बनाएगा, इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद मुल्क में जलसे करेंगे। पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। सियासी मुखालिफीन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आए और मुकाबला करें। मरियम औरंगजेब का शर्जील मेमन को जवाब, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का अभी से रोना शिकस्त की निशानदही करता है, एक तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। 21 अक्टूबर को पूरे मुल्क ने लेवल प्लेइंग फील्ड देख ली है, नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, गुज़िश्ता रोज 6,584 अफगानी अपने मुल्क चले गए, अब तक 1,88,738 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। लंडी कोतर में ट्रांसिट कैंप कायम, तमाम जरूरी सहूलियात फराम, नादरा की 22 मोबाइल वैन भी मौजूद, अफगान बाशिंदों का अपने मुल्क वापसी पर इजहार तशक्कुर, सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार, कहा यहाँ सब लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। पाकिस्तान और IMF में तकनीकी सतह पर मुजाकरात, IMF का हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदाद शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार, हुकूमत मिल्कियती इदारों के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट तलब, वजारत खजाना ने दिसंबर तक रिपोर्ट पर अहम करने के लिए वक्त मांग लिया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया इजाफा, डॉलर 286 रुपए का हो गया, इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, डॉलर 285 रुपए 29 पैसे का हो गया,
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से 53,860 का हो गया। ऑडियो लीक्स केस, सबक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वजीर आजम ऑफिस हसास इदारों के रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। वजीर आजम ऑफिस का हसास इदारों के काम में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं, शहरियों की रिकॉर्ड गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से बचाना यकीनी बनाना जरूरी है। इसराइल के सर पर जंगी जुनून सवार, गजा पर एक माह से हमले जारी। गुज़िश्ता रात हालिया हमलों का बदतरीन फजाई हमला कर दिया। दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह, अलशफा समेत तमाम हस्पतालों के तरफ शदीद बमबारी। गजा में तीसरी बार इंटरनेट और ज़राए मवासलात बंद। पानी, गजाई अशिया, फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज खत्म होने के करीब। इसराइली हमलों में शहादतें 10,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली हमलों के जवाब में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तल अवीव पर रॉकेटों से हमला कर दिया। रॉकेट और मिसाइल हमले रोकने वाला इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम नाकामी का शिकार। शुमाल मगरबी गजा में घुसने की कोशिश करने वाले इसराइली फौजी और हमास में शदीद लड़ाई। इसराइल धमकी के बाद शुमाली गजा से लोगों की जनूब की तरफ नकल मकानी। इसराइल ने ह्यूमन कॉरिडोर खोल दिया। वीडियो जारी। नेप्रा का कराची में सोलर मंसूबों की असर 9 समाज का फैसला। के इलेक्ट्रिक के 270 मेगा पावर के दो पावर प्लांट्स को नोटिस जारी। दोनों सोलर पावर प्लांट्स की समाज 15 नवंबर को होगी। पंजाब में डेंगू की बाढ़ तेज, मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अम्बात, लाहौर, बहावलपुर और गुजरावाला में रिपोर्ट हुई। पंजाब में डेंगू से जाबहक अफराद की तादाद 5 हो गई। कंदकोट में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 बच्चे जाबहक, दर्जनों अब तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में। मेडिकल की टीमें मस्कूरा इलाकों में ना पहुंच सकी। और लोक विरसा में सालाना सकावती मेला, चारों सूबों के कल्चरल म्यूजिक, ट्रक आर्ट के दीदा जेब नमूने, सबकी तवज्जो का मरकज। सकावती मेला 11 रोज तक जारी रहेगा।